गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी के लेक्चर नंबर यह दूसरा सॉलिड स्टेट का जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, यह रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेगा। अब हम लोग चर्चा प्रीवियस क्लास में हम लोग यह कर लिए थे, मैटर के ऊपर डिस्कशन कर लिए थे, मैटर कितने प्रकार के होते हैं इस पर डिस्कशन कर लिए थे, उसका डिफिनेशन एग्जाम्पल हम लोग समझ लिए थे। आज हम लोग जो हम लोग को बेसिकली इसमें पढ़ना जो है वह सॉलिड पढ़ना है, तो सॉलिड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले डिफिनेशन में पढ़े थे कि सॉलिड होता है जिसका हर चीज फिक्स होता है, शेप, साइज, वॉल्यूम, सब चीज फिक्स होता है, उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। आज हम उसके जनरल प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, माने सॉलिड स्टेट का क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब ध्यान देंगे, इस हम लोग जानते हैं कि सॉलिड है डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड का क्या होता है, उसका मास, डेंसिटी, वॉल्यूम और शेप, सभी चीज क्या होता है, फिक्स होता है, ऑल आर फिक्स। इसमें क्या होता है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है वह जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वह शॉर्ट होता है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होगा, माने कि कोई दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा एकदम छोटा होगा। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वह एटम्स होता है, आयन्स होता है और मॉलिक्यूल्स होता है। ऑफ सॉलिड हर फिक्स पोजिशन, सॉलिड में जो क्या होता है, इस सॉलिड है, इस सॉलिड का जो होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मान लीजिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यह क्या होगा कि फिक्स होगा, इधर उधर नहीं करेगा। इसीलिए इसका यह पूरा का पूरा पार्टिकल्स जो होता है कंस्टिट्यूएंट वह एकदम फिक्स होता है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, सॉलिड जो होता है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है एंड रिजिड होता है। सॉलिड को जब आप दबाइएगा तो जल्दी दबेगा नहीं, एंड रिजिड भी होता है। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस से डेंसिटी जो होता है वह सॉलिड का ज्यादा होता है। सॉलिड का जो होता है डिफ्यूजन रेशियो जो होता है डिफ्यूजन करने के, वह गैस और लिक्विड के रिस्पेक्ट में कम होता है। सॉलिड डिफ्यूज वेरी स्लोली, माने एकदम धीरे धीरे, सॉलिड अब कोई पत्थर है उसमें डिफ्यूज कर रहा है जल्दी नहीं करता है, इसलिए बहुत स्लोली होता है कंपेयर टू किसके, लिक्विड एंड गैस के। लेकिन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है सॉलिड का। तो हम लोगों ने सॉलिड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने समझ पाया कि सॉलिड जो होता है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वह स्ट्रांग होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वह शॉर्ट होता है, उसका क्या होता है कि डेंसिटी ज़्यादा होता है लिक्विड गैस से, उसका हर चीज फिक्स होता है। आगे जो हम लोग बात करेंगे वह करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्योंकि हम लोगों को सॉलिड पढ़ना है तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ, हम सॉलिड को किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं कि कितने प्रकार के सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड को हम लोग उसके बेसिस पर जब उसके शेप पे, उसका शेप कैसा है किस सॉलिड के, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसका ऑर्डर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट किस प्रकार है, इसके बेसिस पर हम लोगों ने बांटे हैं। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट पे, कि सॉलिड का किस सॉलिड का कितना मेल्टिंग पॉइंट है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पे, क्लीवेज प्रॉपर्टीज पर, कि अगर कोई सॉलिड को हम काटते हैं तो उसका सरफेस कटने के बाद उसका सरफेस एकदम क्लीन होता है या थोड़ा रुखरा हो जाता है, इस पर भी हम बात करें। उसका नेचर किस प्रकार का है सॉलिड का, उसका हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल और उसका यूज कहाँ कहाँ है। तो सॉलिड बेसिकली जो हमारे सॉलिड स्टेट में सॉलिड जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, उसके नेचर, उसके एंथैल्पी और यूज के बेसिस पर, शेप के अरेंजमेंट पे दो प्रकार के सॉलिड होते हैं। एक जो होता है वह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक जो होता है वह एमॉर्फस सॉलिड होता है।
तो पहले जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वह क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, जितना सारा बात होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद हम लोग एमोर्फस सॉलिड पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं किसको, पहला हमारा सवाल यही आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड उसे कहते हैं जिसका 3D अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलर हो। अब रेगुलर क्या, अरेंजमेंट उसका रेगुलर होता है और पीरियोडिक हो। जैसे आप देखते होगा कि कोई सबस्टांस माने कोई देखिए यह सॉलिड है, इसका अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर है, एकदम सिमिलर क्या होता होगा, सिमिलर की तरह बढ़ता जाएगा, इरेगुलर। इरेगुलर जैसे कि आप एग्जांपल देखते हैं, आप गांव में देखते हैं जब कोई ट्रैक्टर का ईंट आता है तो उसको अरेंज करके रखा जाता है तो वो रेगुलर अरेंजमेंट हुआ। लेकिन वही कभी कभी आप टुकड़ा ईंटा का जब आता है तो उसको सोचे गिरा दिया जाता है तो वो इरेगुलर हो गया। तो रेगुलर और इरेगुलर समझ पाए, तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं, द सबस्टांस व्हिच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो हम लोग कहते हैं एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड डिफिनिट ज्योमेट्री, उसका ज्योमेट्री भी डिफिनिट होना चाहिए पैटर्न इन द 3D स्पेस आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब क्या होना चाहिए कि अरेंजमेंट जो होगा वो डिफरेंट ज्योमेट्री में होना चाहिए, एक ज्योमेट्री में होना चाहिए एंड 3D स्पेस में होना चाहिए। इस प्रकार के सॉलिड को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। यह रेगुलर अरेंजमेंट होता है, हम बता दिए कि रेगुलर अरेंजमेंट क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। मैंने कि जैसे रेगुलर इस प्रकार का रेगुलर है, मानिए कि इस प्रकार का रेगुलर अरेंजमेंट चला तो ये लॉन्ग ऑर्डर तक चलेगा, इन्हें थोड़े जल्दी खत्म हो जाएगा, लॉन्ग ऑर्डर रेंज होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। इसका डिफिनिट इनथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो इनथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होता है वो डिफिनिट होता है। यह जो होता है एनिसोट्रोपिक नेचर का होता है। अब हमारे दिमाग में आया कि सर एनिसोट्रोपिक नेचर होता है क्या, एनिसोट्रोपिक नेचर जो होता है एनिसोट्रोपिक नेचर जो होता है वह होता है द केमिकल्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका जो होता है डिफिनिट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है। और यह जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वह एनिसोट्रोपिक नेचर का होता है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि एनिसोट्रोपिक नेचर होता क्या है। एनिसोट्रोपिक नेचर कहते हैं हम लोग द केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में उसका जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वह डिफरेंट होगा। इस प्रकार के नेचर को हम लोग एनिसोट्रोपिक नेचर कहते हैं। तो यह एनिसोट्रोपिक नेचर जो होता है वह डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, इसीलिए इसको जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के ट्रू सॉलिड या परफेक्ट सॉलिड कहा जाता है। 90% जो होता है वह कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जो होता है वह क्रिस्टलाइन ही सॉलिड होते हैं। अब एग्जांपल देखिए जैसे कि कॉपर आयरन क्वार्ट्ज निकेल ये सब क्या है कि यह क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग समझे कि यह रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग ऑर्डर रेंज होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, डिफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, एनिसोट्रोपिक नेचर होता है, इसलिए इसको ट्रू सॉलिड या परफेक्ट सॉलिड कहते हैं। यह क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा नेचर का होता है, एनिसोट्रोपिक नेचर का होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्रिस्टलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, सॉलिड का क्लासिफिकेशन किए थे, अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे हम लोग इसको चर्चा करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पर मॉलिक्यूल पहला जो होता है वह होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा जो होता है वह आयनिक सॉलिड, तीसरा जो होता है वह होता है मेटालिक सॉलिड और चौथा जो होता है इसी को कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। तब हम लोग देखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वह चार प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट या उसी को नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। अब लेकिन फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड भी जो होता है वह तीन प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर से समझने का प्रयास करें,
हम लोग सॉलिड को डिफाइन किए दो प्रकार के, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। फिर हम लोग क्रिस्टलाइन को भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो चार प्रकार के, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। फिर हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तीन प्रकार के, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है तो देखते हैं। द मॉलिक्यूलर, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स या डाइपोल डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड फोर्स, ये सब जिसमें रहेगा उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोग समझे हैं कि तीन प्रकार का होता है, एक नॉन पोलर, एक पोलर और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हम लोग समझते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किसको कहते हैं, तो दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आइदर एटम्स लाइक दोज ऑफ नोबल गैस हीलियम नियॉन आर्गन या इसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये सब क्या, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। पोलर को कहेंगे द कंप्राइजेस ऑफ मॉलिक्यूल सब्सटेंस फॉर्मेड बाय द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से जो फॉर्मेड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। जो हाइड्रोजन बॉन्डेड करेगा, द मॉलिक्यूल्स सच सॉलिड्स कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड आर कॉल्ड क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन होता है, देखिए एक याद रखिएगा, फोन माने फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जो होगा वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जितना भी कंपाउंड जो बनेगा वह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आगे बढ़ेंगे, सॉलिड ऑफ हीलियम, सॉलिड आर्गन, सॉलिड CO2, सॉलिड हाइड्रोजन, ये सब एग्जांपल है नॉन पोलर का। पोलर का है जो कोवेलेंट, तो कोवेलेंट बॉन्ड होना HCl, सॉलिड HCl, सॉलिड SO2, सॉलिड NH3, ये सब पोलर होगा। और सॉलिड H2O यह क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन किसके साथ, एक फोन है जो रिसीवर हाइड्रोजन है, इस सब के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो यह सॉलिड किसका हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। इन दिस सॉलिड माने नॉन पोलर सॉलिड द एटम्स या मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय बिग डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स। इसमें क्या होता है कि बिग लंदन और डिस्पर्शन फोर्स होता है। यह जनरली सॉफ्ट होता है नॉन पोलर, यह भी क्या होता है सॉफ्ट होता है पोलर, और दे आर जनरली वोलेटाइल होता है। हाइड्रोजन जो बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वह वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है या सॉफ्ट ईवी होता है। फिर आगे देखेंगे, ईवी नॉन कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ईवी नॉन कंडक्टर होता है, नॉन पोलर भी नॉन कंडक्टर, पोलर भी नॉन कंडक्टर, और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड भी जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है। इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है नॉन पोलर का, पोलर का होता है लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर से इसका ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर देन नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यह जो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का। तो हम लोग यह समझ पाए कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एक एमॉर्फस सॉलिड। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक सॉलिड। फिर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीन प्रकार में देखा, एक देखा मॉलिक्यूलर के नॉन पोलर, एक पोलर, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर। तो हम लोगों ने यहाँ तक मॉलिक्यूलर सॉलिड तक पढ़ पाए इस वीडियो में। नेक्स्ट आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वह मेटालिक आयनिक सॉलिड्स के बारे में और कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्रीवियस क्लास में जो हमने क्वेश्चन दिया था इस पर आज चर्चा करेंगे। तो अभी हम पढ़ाए हैं सॉलिड्स का प्रॉपर्टी, प्रीवियस जो क्लास में जो क्वेश्चन दो क्वेश्चन दिए थे इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन था कि वाई आर सॉलिड रिजिड, सॉलिड रिजिड क्यों होता है। तो हम लोग जानते हैं इन सॉलिड द पार्टिकल आर क्लोज पैक्ड, पार्टिकल्स जो होता है सॉलिड में वो एकदम क्लोज क्लोज होता है, एकदम नजदीकियां नजदीकियां। एंड द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, उसमें खाली स्थान एकदम वेरी स्मॉल रहता है, तभी का ना का मात्रा। Therefore, solid are incompressible. इसलिए solid को हम लोग incompressible दबा नहीं सकते हैं। And they maintain their own shape. वो अपना क्या करता है? Maintain करता है shape when subjected to outer side force. जब कोई outer side force लगाते हैं, तो वो अपना maintain कर लेता है size का shape को. Hence, solid are क्या चीज़? Rigid होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सॉलिड का जो होता है क्लोज पैकेट होता है, उसमें एम्प्टी स्पेस बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल में होता है, वह इनकंप्रेसिबल होता है, इसीलिए सॉलिड रिजिड होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन था व्हाई डू सॉलिड हैव डिफरेंट वॉल्यूम, सॉलिड का डिफरेंट वॉल्यूम क्यों होता है। The intermolecular force between the particle in the solid state are very strong. Intermolecular force जो होता है solid का very strong होता है, इसीलिए solid का जो होता है definite volume होता है। बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट कीजिए। इसी तरह यह लेक्चर नंबर 2 था, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते जाएगा प्रत्येक दिन। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।